भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में तहलका मचाया हुआ है। पाकिस्तान में जयशंकर की खूब चर्चा हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर चर्चित है। अभी तो पाकिस्तान जयशंकर के चश्मे पर से नजर हटा भी नहीं था, इतने में भी जयशंकर की एक तस्वीर पाकिस्तान में वायरल हो गया। इस जयशंकर सुबह में इस्लामाबाद पहुंच गए। सभी लोग जानते हैं कि भारत के मंत्री लगभग 9 साल बाद पाकिस्तान में गया, तो सुबह में घूमने के लिए चले गए। इस जयशंकर अपने खाली समय का उपयोग मॉर्निंग वॉक में करते हैं। पाकिस्तान तो ये सोचकर बैठा था कि जयशंकर उनसे बातें करेंगे। मॉर्निंग वॉक करने के बाद जयशंकर भारतीय हाई कमीशन में एक पौधा भी लगा दिया। ये पौधा अपनी माँ के नाम से लगाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू की थी। हाई कमीशन में एक पौधा लगाने के बाद पाकिस्तान में खूब तहलका मचने लगा। दरअसल जयशंकर पाकिस्तान में देखकर बलूचिस्तान का खून और हिम्मत 10 गुना बढ़ गया। बलूचिस्तान के लड़ाकों ने एससीओ बैठक के दौरान ऐसा खेल कर दिया जिसमें पाकिस्तान और चीन जिंदगी भर नहीं भूलेगा। दरअसल एससीओ समिट को संबोधित करते हुए जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन के सामने ही सीपेट परियोजना को विरोध कर दिया। जयशंकर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारतीय संप्रदायता का उल्लंघन करता है। जानकारी के लिए बता दें कि ये सीपेट परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरते हैं, जो भारत का अंग है। इस जयशंकर ने तो सीपेट पर काम कर दिया, उसके बाद बारी बलूचन की थी, क्योंकि बलूचन स्थान से भी चीन का प्रोजेक्ट गुजरता है। चीन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बलूचन स्थान में एक एयरपोर्ट के उद्घाटन करना था, तैयारी पूरी हो चुकी थी। चीन के प्रधानमंत्री वहां जाकर सिर्फ रिबन काटना था, क्योंकि ये एयरपोर्ट चीन के पैसे से बना था और चीन के उपयोग के लिए ही बना था। तो दोस्तों आज का अपडेट यहीं तक आ जाए, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।